अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न आवर फर्स्ट मंथली चैप्टर यूनिट 7 फोर्स। फोर्स मतलब होता है ताकत। व्हेन समथिंग चेंज पोजीशन फॉल्स फ्लाइज अप इनटू द एयर टर्न स्टॉप्स और मूव्स इन एनी वे वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट। जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, उड़ती है हवा में या फिर रुकती है, टर्न स्टॉप और मूव्स इन एनी वे, तो हम कह सकते हैं कि उस पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स, बहुत सी किस्मों की ताकतें हैं। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस, खींचना और धक्का देना भी ताकत है। फोर्सेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, फोर्सेस जो है वो लोगों से प्रोड्यूस्ड होती हैं, एनिमल्स एंड मशीन्स। द विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज फोर्स, चलती हवा और बहता पानी भी हम कह सकते हैं कि उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है। वॉट इज फोर्स, फोर्स क्या है, ताकत क्या है। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स, फोर्सेस जो है खींचना और धक्का देना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू राइट यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन योर पेन और पेंसिल बिकॉज यू पुश एंड पुल इट अक्रॉस द पेपर। जब आप लिखते हो पेन या पेंसिल से, तो आप अपनी फोर्स पेन पे या पेंसिल्स पे लगा रहे होते हो, क्योंकि या तो उसको आप खींच रहे होते हो या आप उसको धक्का दे रहे होते हो। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव, फोर्सेस जो हैं वो चीज़ों को मूव हरकत करने में मदद देती हैं। वेन एवर द स्पीड और द डायरेक्शन और मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग, जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो या उसकी शेप चेंज हो, किसी चीज़ की शक्ल चेंज हो, वी से फोर्सेस आर एक्टिंग टू कॉज दीज चेंजेस। हम कह सकते हैं कि इस पे ताकत लगी है इसको तब्दील करने में। वॉट कैन अ फोर्स डू, फोर्स ताकत क्या कर सकती है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप, फोर्सेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने में भी मदद करते हैं। लाइक यू कैन सी द पिक्चर कि अगर हमने फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो गई। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव, फोर्सेस चीज़ों को हरकत करने में मदद करती हैं। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप, फोर्सेस जो हैं वो चीज़ों को स्पीड अप करने में भी हेल्प करती हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स, फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, फोर्सेस जो हैं वो न्यू डायरेक्शन में चीज़ों को मूव करने में इस्तेमाल होती हैं। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, फोर्सेस चीज़ को आहिस्ता करने में। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ है आप उसको, वो स्लो बॉल है, बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन आप उसको स्लो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स और अ मूविंग कार इट स्लो डाउन, जब आप कार बहुत तेज़ चल रही है और उसको आप उसकी ब्रेक्स पे उसको रोकोगे तो वो स्लो हो जाएगी। नाउ वी टर्न टू नेक्स्ट पेज, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज रगड़, फ्रिक्शन का मतलब है रगड़। इज द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस सच थिंग्स रब टुगेदर, जब दो ज़मीनें रगड़ करती हैं चीज़ें, तो फ्रिक्शन अप्लाई होती है। इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ों को आहिस्ता करने में भी मदद करती है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप, फोर्सेस जो हैं वो चीज़ों को शुरू और ख़त्म रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।